ओके सो गाइस यार अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और गाइस यार मैं तुम लोगों को बताता हूँ गाइस आज है पिंचन का बर्थडे। वैसे उसका बर्थडे शुरू हुए अभी आधा घंटा हो चुका है और अभी थोड़ा विश करने में मैं लेट हो गया क्योंकि मेरी भी आंख लग गई थी, बट गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी फटाफट से चलते हैं यार पिंचन को एकदम झटके से विश करने है। भाई साहब एकदम मस्त चैन की नींद में सो रहा है यार पिंचन और गाइस उसको एकदम पे वाला भाई बर्थडे विश करूंगा मैं। ओके सो गाइस नीचे अभी ये लोग जगे हैं कि नहीं उसको बर्थडे विश करने के लिए। ओ भाई अरे फैमिली तुम आ गए क्या? पे धीरे बोलो पे धीरे। अरे यार तुम आ गए क्या? पे हाँ आ गया, तुम लोग क्या कर रहे हो? पे भाई साहब कल हुआ कुछ नहीं आ रहा, ऐसे ही सोच रहा उसको क्या गिफ्ट देना है। अच्छा तुम लोग गिफ्ट प्लान कर रहे हो? अरे हाँ यार मैं भी यार गिफ्ट के बारे में सोच रहा था क्या दे उसे, एक बाइक दे या फिर कोई घड़ी वगैरह दे या फिर मोबाइल दे। अरे यार छोड़ो यार उसी से पूछ लेंगे उसको क्या चाहिए। अबे हाँ सही कह रहा है, अभी तो फिलहाल यार उसके पास चलते हैं। चलो भाई उसको एकदम धप्पे वाला हैप्पी बर्थडे विश करना है। अरे हाँ हाँ मैं तो भूल गया था। अब भाई साहब कल रुक जा मेरे लिए। अबे जल्दी से आ जाओ ना तुम लोग आराम से। ओ भाई पिंचन जग गया क्या? नहीं 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 सो रहा है गाइस इसको सोने दो और फटाफट से हम लोग चिल्लाएंगे, अभी जल्दी आओ ना तुम लोग आराम से। अरे रुको यार रुको। अबे आ गए तुम लोग भी? अरे फैमिली हाँ यार आ गए हम लोग भी। भाई साहब कल यार मैं भी आ गया चले के सो गाइस फटाफट से बोलते हैं 3-2-1 अरे हैप्पी बर्थडे। ओए हैप्पी बर्थडे पिंचन। भाई साहब हैप्पी बर्थडे पिंचन उठ। अबे ये तो कुछ बोला ही नहीं। अरे यार लगता है ज्यादा ही गहरी नींद में सो रहा है। अबे यार इसको कैसे उठाएं? अरे यार चलो इसके ऊपर कूद जाते हैं। ओ पागल है क्या, बर्थडे के दिन वो निकल लेगा ऊपर? वो आराम से एक मिनट कान के पास जाके चिल्लाता हूँ ओए पिंचन हैप्पी बर्थडे। अरे अरे ये कौन सा तरीका है यार सुबह सुबह जगाने का? सुबह काम हुई है। अरे यार तो क्यों रात को जगा रहे हो? अबे भाई हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए हैप्पी बर्थडे पिंचन। अरे हाँ यार हैप्पी बर्थडे पिंचन। भाई साहब हैप्पी बर्थडे पिंचन। अरे यार तुम लोगों को मेरा बर्थडे याद था क्या? भाई साहब ऐसे कहता तेरा बर्थडे हम लोग भूल सकते हैं, कैसी बात कर रहा है यार तू। हाँ भाई साहब तेरा बर्थडे बिल्कुल याद था और इसीलिए भाई हम लोगों ने कल शाम को ही सोच लिया था कि भाई पिंचन को रात के 12 बजे बर्थडे विश करेंगे और ये देख भाई कैसा लगा सरप्राइज। अरे यार हाँ बढ़िया था, मजा तो आया ना तुझे? अरे हाँ यार मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। अब चल बता दे भाई तुझे गिफ्ट क्या चाहिए? अरे कुछ भी नहीं चाहिए यार। अबे फिर भी भाई शर्मा मत, बता दे जो कुछ चाहता हो कि तेरा बर्थडे कुछ इस तरीके से मनाया जाए या फिर तेरे बर्थडे पर कोई ऐसा गिफ्ट मिले जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो, बता ना भाई तेरा सपना क्या है तेरा बर्थडे से रिलेटेड। अरे यार छोड़ो ना यार तुम पूरा नहीं कर पाओगे। तू बता के तो देख। भाई साहब आ यार बता के तो देख, पिंचन भाई अपना कलुआ जरूर पूरा करेगा। अरे हाँ यार हम लोग जरूर पूरा करेंगे पिंचन, एक बार बताओ तो। बताना तू। अरे यार ठीक है मैं बताता हूँ। बोल बोल बोल। अरे देखो यार मेरे बचपन से सपना था कि मेरा बर्थडे यार मैं मनाऊ, केक काटू किसी बर्फ वाली जगह पे एकदम मस्त तरीके से। बर्फ वाली जगह पे केक काटू? अरे हाँ यार मुझे पता था ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा इसलिए मैं नहीं बता रहा था। अबे नहीं भाई ऐसा क्यों कह रहा है तू? अरे तो क्या ये पूरा हो पाएगा? अबे बिल्कुल भाई बिल्कुल। भाई साहब कल कैसे बे? अबे हम लोग चले जाएंगे भाई नॉर्थ यंगटन। अरे हाँ यार इसके बारे में तो सोचा ही नहीं मैंने। वही तो शिनचैन भाई, हम लोग जाएंगे नॉर्थ यंगटन गाइस और वहां पर मनाएंगे यार पिंचन का एकदम मस्त वाला हैप्पी बर्थडे। अरे यार हाँ मजा आ जाएगा। है ना पिंचन ऐसा ही कुछ तो सपना था तेरा? अरे हाँ बिल्कुल यार ऐसा ही सपना था लेकिन आज सच हो जाएगा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अबे टेंशन मत करो भाई, जल्दी जल्दी तुम लोग तैयार हो, हम लोगों को सुबह निकल जाना है सीधा नॉर्थ यंगटन के लिए। अरे ठीक है यार टेंशन मत करो, हम लोग सीधे जाएंगे और नॉर्थ यंगटन में बर्थडे मनाएंगे। ठीक है गाइस तो हम लोग पिंचन का जो बर्थडे है वो मनाने वाले हैं नॉर्थ यंगटन में। ठीक है भाई पिंचन तू सो जा यार, तब तक हम लोग तैयारी करते हैं। अरे ठीक है यार ठीक है। अबे तुम लोग इधर सुनो बे, वो शिनचैन और चॉप इधर आओ जल्दी से। अरे क्या है यार? भाई साहब कल क्यों बुला रहा है? इधर आओ शांति से। भाई साहब कल क्या हो गया, क्यों बुला रहा हूं इधर? अबे धीरे बोल धीरे। देख मैं सोच रहा था यार हम लोग पिंचन को चल नॉर्थ यंगटन में ले जाकर उसका बर्थडे तो मना देंगे, लेकिन गिफ्ट क्या हुआ? हम लोग अपनी तरफ से क्या गिफ्ट दे रहे हैं? ये तो उसका सपना था यार। भाई साहब कल बात तो सही कह रहा है। अरे हाँ तो फिर हम लोग क्या गिफ्ट दे उसे? चुना यार तुम लोग सोचो। भाई तुझे पता है शिनचैन उसे क्या पसंद है? अरे अरे हाँ यार उसे एकदम मस्त वाले बर्गर बहुत पसंद है। अबे बर्गर कौन गिफ्ट देता है बर्थडे पे, तो कुछ बढ़िया सी चीज बता। अरे ठीक है यार, कुछ दिन पहले मैं और पिंचन घूम रहे थे,
फिर? अरे तो हम लोग साइमन अंकल की दुकान से बाहर से गुजर रहे थे। ओके फिर? अरे साइमन अंकल की दुकान पे एक मस्त वाली गाड़ी खड़ी थी यार। अच्छा, और वो पिंचन को पसंद होगी? अरे हाँ यार, पिंचन कह रहा था वो देखो वाओ क्या मस्त गाड़ी है, काश ये चलाने को मिल जाती मजा आ जाता। ओ तो पिंचन ने गाड़ी देखी? अरे हाँ यार, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं थे कि वो खरीद पाए, इसलिए हमने छोड़ दिया और चले आए। ओके तो इसका मतलब गाइस पिंचन को वो वाली गाड़ी पसंद थी। ओ भाई साहब, भाई साहब कल तू क्या सोच रहा है, वो वाली गाड़ी चुराने की सोच रहा है क्या? वो पागल हो गया क्या? साइमन से खरीदने की सोच रहा हूँ, हर चीज चुराऊंगा ही मैं। ओके सो गाइस चलते हैं यार अभी का भी। अरे लेकिन अभी थोड़ा ना साइमन की दुकान खुली होगी। हाँ ये भी बात है गाइस, चलो यार फिर सुबह का इंतजार करते हैं। सुबह गाइस हम लोग निकलेंगे साइमन के पास वो गाड़ी लेने के लिए। अबे तू सोया नहीं अभी तक? अरे यार सोच रहा हूँ कितना ज्यादा मजा आएगा बर्थडे मनाने में। बस सो जा भाई सो जा। गाइस यार हम लोग सुबह जाएंगे साइमन की दुकान पर गाड़ी लेने के लिए, और वो गाड़ी मैं कहूंगा साइमन से कि डायरेक्टली नॉर्थ एंटन में भिजवा दे। अरे हाँ यार यही कहना। और भाई साहब कल यार फिर वहाँ पर नॉर्थ जंक्शन में उस गाड़ी में बैठकर जाएंगे और भाई साहब अपने पिंचन का बर्थडे मनाएंगे। अरे हाँ यार मजा आएगा बहुत ही ज्यादा। आ जाओ भाई आ जाओ, फिर सुबह का इंतजार करते हैं। सो गाइस यार यहाँ पर हो चुकी है सुबह। अरे चलो यार फटाफट से यार साइमन अंकल की दुकान पर। अबे हाँ आ जा भाई फटाफट से। गाइस यार हम लोग सीधा निकलते हैं साइमन की दुकान पर और वहाँ से लेते हैं गाइस वो वाली गाड़ी जो कि पिंचन को बहुत ज्यादा उस दिन पसंद आई थी। चल भाई आ जा शिनचैन, तू भी आ जा, तेरे को ही तो बतानी है वो गाड़ी कौन सी आखिर। अबे जा भाई शिनचैन। पे भाई जल्दी आ। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही नखरे कर रहा है, जल्दी बैठ। अरे यार वैसे मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? अबे क्योंकि कौन सी गाड़ी पसंद आई थी ये तुझे ही तो पता है। ओके सो गाइस अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, अभी हम लोग डायरेक्टली चलते हैं क्योंकि यार हमें डायरेक्टली नॉर्थ यंगटन के लिए भी निकलना है, तो भाई उसके लिए भी टाइम चाहिए यार क्योंकि वो भी काफी ज्यादा दूर है। इसलिए जल्दी से वो गाड़ी का ऑर्डर देके मैं साइमन को कहता हूँ कि वो गाड़ी सीधा भिजवा दे नॉर्थ यंगटन। चलो गाइस फटाफट से निकलते हैं साइमन की शोरूम पर। सो गाइस तुम लोग देख सकते हो यार इस वाली गाड़ी को भगाते भगाते मैं फाइनली साइमन के शोरूम पर पहुंचने वाला हूँ, और वो रहा यार रेड कलर का शोरूम, मतलब ये रहा यार रेड कलर के आगे वाला शोरूम। ये देखो यार इधर कौन सी गाड़ी है शिनचैन? अरे फैमे ये पीली वाली। पीली वाली? अच्छा ये वाली गाड़ी। अरे हाँ यार यही वाली उस दिन पिंचन को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। ओके ओके तो ये बात है। चलो गाइस ये वाली गाड़ी हम लोग फटाफट से यहाँ से लेकर चलते हैं। अरे तुम तो खरीदने वाले थे? हाँ बोल देता हूँ साइमन से। साइमन भाई पता नहीं कहाँ, एक काम कर तो गाइस फोन करके बोल देता हूँ इससे मैं। साइमन ये रहा साइमन का नंबर। ओ साइमन भाई जल्दी फोन उठा यार। ओए सुन भाई साइमन जल्दी से ये वाली गाड़ी मैं लेना चाह रहा हूँ, इसको फटाफट से नॉर्थ एंटन भेज। ओके सो गाइस मैंने जो मैसेज था फटाफट से भेज दिया, लेकिन यार वो आए तब बताऊंगा ना उसे कौन सी वाली गाड़ी ले रहा हूँ मैं। अरे यार फ्रैंकलिन कौन सी गाड़ी ले रहे हो यार? यही वाली, ये देख येलो कलर वाली। अरे तुम्हें पता भी है कितनी महंगी है? अबे कितनी भी महंगी हो भाई इस वाली गाड़ी को तू नॉर्थ एंटन भिजवा दे। को भेजने का खर्चा मैं बाद में दे दूंगा यार, और गाड़ी का खर्चा अबे वो भी तुझे बाद में दे दूंगा, अभी मैं पैसे लेकर नहीं आया हूँ। अरे तब बैंक से डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो। अबे नहीं कर सकता भाई, तू डायरेक्ट ये वाली गाड़ी भाई सीधा नॉर्थ यंगटन भेज, हम लोग वहाँ पर इसे ले लेंगे। ठीक है यार ठीक है, फिर वहाँ से लाओगे इस गाड़ी को? हाँ लाने के लिए भी तुझे ही हम लोग जिम्मा दे रहे हैं। अरे यार ये तो गलत बात है। पैसे बाद में दे दूंगा, तू पैसे की अभी टेंशन मत ले, ये वाली गाड़ी फटाफट से तू नॉर्थ यंगटन भेज। ठीक है? ठीक है यार, तुम भी अजीबोगरीब दोस्त हो यार। हाँ वो तो मैं हूँ ही। अरे फैमिली चलो यार अब हम लोगों को डायरेक्ट नॉर्थ यंगटन में निकलना है। हाँ गाइस अभी हम लोगों को डायरेक्ट नॉर्थ यंगटन में निकलना है, तो फटाफट से अभी हम लोग पिंचन को लेकर जाते हैं सीधे एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट जाकर गाइस सीधे लेते हैं वहां से कोई बढ़िया सा हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर लेकर गाइस सीधे हम लोग निकल पड़ते हैं नॉर्थ यंगटन जाने के लिए। ऐसे रास्ते में मैं माइकल लेस्टर ट्रेवर वगैरह को भी कॉल कर दूंगा ताकि वो भी यार उसके बर्थडे में आ जाए। चलो चलो यार आ गए फाइनली घर की तरफ। आ जाओ भाई तुम लोग फटाफट से, सो गाइस गाड़ी को यहीं पे रखते हैं। ओ भाई पिंचन चल आ जा भाई, एयरपोर्ट निकलना है। अरे यार अभी क्या? अबे हाँ हाँ भाई अभी निकलना है जल्दी से, आजा मेरा खोपड़ा फूट गया। चौप भाई तू भी तैयार है ना? भाई साहब कल बिल्कुल तैयार हुआ है। आजा भाई पिंचन। अरे ठीक है यार आता हूँ। ओके सो आजा भाई फटाफट से। भाई साहब कल ठीक है चल चल। ओके गाइस नॉर्थ एंगटन जाएंगे एकदम मस्त वाले हेलीकॉप्टर में। आजा भाई पिंचन तू एक काम कर अंदर बैठ जा, शिनचैन आज तुझे भाई छत पे बैठना पड़ेगा। अरे कोई नहीं यार आज पिंचन का बर्थडे है, अंदर बैठने दो उसे। चल भाई पिंचन फटाफट से बैठ। ओके गाइस अबे शिनचैन भाई कितना लेट कर रहा है, ये चौप भी नहीं आ रहा भाई। भाई साहब कल चल। ओके सो गाइस हम लोग डायरेक्टली यहाँ से निकलते हैं सीधे एयरपोर्ट। अभी गाइस सुबह के मुझे लगता है 8:30 बज होंगे,
तो यही टाइम है गाइस सीधे एयरपोर्ट निकलने का, और वहां से यार हेलीकॉप्टर किसका लेंगे? अरे किसी का भी ले लेंगे, क्या ही दिक्कत है। हाँ गाइस माइकल का ही ले लेंगे, माइकल का अभी तो हेलीकॉप्टर उधर ही कहीं रहता है। अरे पता नहीं यार, क्या पता कहीं और गया हो उनका हेलीकॉप्टर। हाँ शायद माइकल गाइस नॉर्थ यंगटन जा रहा है, तो शायद वही लेकर चला गया वो अपना ही हेलीकॉप्टर। गाइस चलते हैं फटाफट से एयरपोर्ट और वहां से किसी हेलीकॉप्टर का इंतजाम करके निकल लेंगे सीधा नॉर्थ यंगटन। भाई साहब कल थोड़ा संभल के चला यार, आज बर्थडे के दिन भी तू कैसे गाड़ी चला रहा है। वैसे गाइस तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस फटाफट से जाकर यार वीडियो को लाइक कर दो, और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे यार। हाँ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर दो, और गाइस यार तुम लोगों ने अभी तक पिंचन को हैप्पी बर्थडे नहीं बोला है तो फटाफट से यार जाकर पिंचन को हैप्पी बर्थडे बोल दो। अरे हाँ गाइस फटाफट से यार हैप्पी बर्थडे बोल दो यार पिंचन को कमेंट पे। और गाइस यार तुम लोग अगर पिंचन को कोई गिफ्ट देना चाहते हो तो फटाफट से जाकर यार तुम लोग गिफ्ट के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अरे हाँ यार मेरे लिए वही गिफ्ट होगा। हाँ गाइस तुम लोग अगर पिंचन को गिफ्ट देना चाहते हो तो फटाफट से जाकर यार चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ में गाइस बेल वाला आइकन प्रेस करो। फिलहाल तो यहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर तो नजर आ नहीं रहा है। अरे अब नॉर्थ यंगटन जाने का प्लान कैंसिल। चुप हो जा भाई शिनचैन, जाएंगे बिल्कुल जाएंगे। अब आज आप कल कैसे जाएंगे, हेलीकॉप्टर तो नजर आ नहीं रहा। पता नहीं कहाँ मिलेगा ये हेलीकॉप्टर। अरे हेलीकॉप्टर भैया, अरे एयरपोर्ट में एक हेलीकॉप्टर नहीं है, प्लेन पे प्लेन खड़े हैं, एक भी हेलीकॉप्टर ही नहीं है यार। अरे वो रहा। हाँ गाइस मिल गया मिल गया मिल गया, हेलीकॉप्टर मिल गया। वो रहा गाइस सामने की तरफ हेलीकॉप्टर, तो हम लोग आ जाएंगे आराम से। हाँ आराम से आ जाएंगे, बहुत ही ज्यादा बड़ा हेलीकॉप्टर। गाइस आ जा भाई तुम लोग फटाफट से। ओ भाई ये मिलिट्री वालों का हेलीकॉप्टर लग रहा है मेरे को तो। अरे कोई नहीं यार, आकर वापस दे देंगे। भाई साहब कल मैं रह गया, मेरे को तो बैठ दो। ओके सो गाइस, अब भाई साहब शिनचैन और पिंचन तुम लोग कैसे लटक के बैठ रहे हो यार। अरे यार ऐसे ही मजा आ रहा है यार। शिनचैन को देखो गाइस क्या ही लटका है। चुप तू बैठ गया ना। भाई साहब कल एकदम मस्त बैठ गया मैं अंदर। ओके सो गाइस फटाफट से इस हेलीकॉप्टर को लेकर चलते हैं। वैसे तुम लोग देखो यार ये हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा मुश्किल है यार कंट्रोल करना। साथ में यार इसके अंदर गन्स वगैरह भी लगी है, तो थोड़ा संभाल के बटन दबाने पड़ेंगे। पता चला गन वाला बटन दब गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी तो फिलहाल छोड़ो गाइस सब कुछ, नीचे के साइड मैंने अपनी गाड़ी छोड़ दी है। अभी हम लोग फटाफट से गाइस डायरेक्टली निकलते हैं नॉर्थ यंगटन के लिए, और ये हेलीकॉप्टर भी गाइस काफी ज्यादा फास्ट है, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा हम लोगों को देर लगने वाली है। तो सीधे गाइस निकलते हैं नॉर्थ यंगटन के लिए। वैसे गाइस ये हेलीकॉप्टर भी बहुत ही बढ़िया है यार। अरे यार चलो अब भगाओ। गाइस सुबह के टाइम हम लोग निकले हैं, इसका मतलब दोपहर तक हम लोग नॉर्थ यंगटन में होंगे, और फिर मनाएंगे गाइस पिंचन का एकदम मस्त वाला हैप्पी बर्थडे, वो भी बर्फ के अंदर। सो गाइस हो रही है दोपहर और हम लोग हेलीकॉप्टर को लेकर गाइस आ चुके हैं नॉर्थ यंगटन के अंदर। और तुम लोग गाइस नॉर्थ यंगटन के बारे में जानती होगे, ये सबसे ज्यादा ठंडी जगह है अपने लॉस सैंटोस के आसपास बसे देशों में। और फिलहाल तो गाइस हम लोग फटाफट से इधर की साइड लेकर आ चुके हैं। एक सेकंड, ये नीचे जो गाड़ी दिख रहे हैं कहीं अपनी तो नहीं है? अरे फैमिली हाँ यार थोड़ी थोड़ी लग तो रही है। ओके सो गाइस यार ये साइमन के बच्चे ने गाड़ी यहीं पर खेतों में छुड़वा दी है। कोई नहीं गाइस एक काम करते हैं, हेलीकॉप्टर को यहीं पर लैंड करते हैं आराम से। बस बस बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लैंडिंग हुई है गाइस, और अभी फटाफट से चलते हैं। भाई आ जाओ तुम लोग। भाई साहब कल मेरे लिए रुक जाओ। ओ भाई पिंचन तेरा बर्थडे भाई आज बर्फ में मनने वाला है, कैसा लग रहा है तुझे? अरे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है यार, तो जल्दी से आओ ना इधर गाड़ी की तरफ। वैसे गाइस बर्फ काफी ज्यादा पड़ी हुई है और इसमें सच में यार काफी ज्यादा ठंडक सी भी लग रही है, धूप हो रखी है फिर भी ठंड लग रही है। ओके सो गाइस यहाँ पर पिंचन बैठ चुका है, शिनचैन भी बैठ चुका है और चॉप भी बैठ चुका है। अभी जल्दी से चलते हैं। अरे वैसे यार बर्थडे कहाँ मनाने वाले हो? बर्थडे गाइस हम लोग मनाने वाले हैं पिंचन के एकदम मस्त वाली जगह पे, और वो मस्त जगह है गाइस उधर की साइड। अरे यार वैसे केक वेक भाई उस सब का इंतजाम हो गया, तो टेंशन क्यों ले रहा है? वो देखो गाइस अपने सारे के सारे दोस्त खड़े हैं यहाँ पर। ये देख, ओ भाई साहब कुछ ज्यादा ही बर्फ है क्या इधर? अरे यार इधर तो कुछ ज्यादा ही बर्फ है। भाई साहब ये इन लोगों को क्या यही जगह मिली है? अबे भाई तुम लोग इधर ही खड़े हो। अरे यार हम लोग सुबह के आ गए हैं, सुबह बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी थी इसी वजह से हम लोग थोड़ा डूब गए यार बर्फ में। ओ ये बात है। अरे फैमिली चलो यार भाई जल्दी से। ओ गाइस तुम लोग देखो यार वहाँ पर केक काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। ओ भाई यार इधर तो सच में काफी ज्यादा बर्फ है भाई, पूरा धस गए हैं लोग तो बर्फ में, और साथ में मैं भी धस रहा हूँ। बट कोई नहीं गाइस यहाँ पर देखो भाई लेमार माइकल लेस्टर और ट्रेवर सबके सब आए हैं बर्थडे मनाने के लिए, और शिनचैन पिंचन आओ भाई जल्दी। अरे फैमिली यार तुमने इतना मस्त मेरा बर्थडे और यादगार बना दिया यार, इसके लिए थैंक यू। अब इसमें थैंक यू क्या यार? अरे थैंक यू तो बनता है यार, अब तक का मेरा सबसे मस्त वाला बर्थडे है ये, और मेरा सपना भी पूरा हो गया, इतनी मस्त गाड़ी भी मिल गई और सारे दोस्तों के संग एकदम मस्त वाला केक काटूंगा वो भी बर्फ के बीच। अबे जल्दी आ जा भाई जल्दी आ जा। अरे आ रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पर पिंचन अभी केक काटने वाला है, चल भाई पिंचन केक काट दे फटाफट। अरे ठीक है यार काटता हूँ। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। अरे हैप्पी बर्थडे यार। हैप्पी
बर्थडे गाइस, हैप्पी बर्थडे। फिलहाल तो गाइस तुम लोगों को अगर आज की ये वाली वीडियो बढ़िया लगी हो तो फटाफट से जाकर गाइस वीडियो को लाइक कर देना और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके याद से ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। अगर तुम लोगों ने यार अभी तक पिंचन को हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया तो उसे भी विश कर देना यार, और उसके गिफ्ट के तौर पर गाइस तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय।